मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और ये देखो तुम्हारा जो चैप्टर है विकास चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, एक नंबर का पूछ लेते हैं कई बार, एक या दो नंबर का आता है। तो इसमें क्या है, विकास की धारणता से क्या मतलब है, विकास की धारणता से क्या मतलब है, इसको तुम्हें अच्छी तरह से एक बार, सबसे पहली बात जितना भी मैंने पढ़ाया है वो बुक में अपने आप से जरूर पढ़ना है, जितना मैंने नोट्स बनवाया है उतना जरूर बनाना है और लिखना जरूर है और याद तो बिल्कुल करना ही होगा। खैर उसके बाद में ये देखो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है और लास्ट हो गया था ना, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ठीक है, अंतिम है पर बेकार नहीं है। तो विकास की धारणता से तात्पर्य क्या है हम ये समझेंगे। तो विकास को धारणता मतलब कहीं ना कहीं विकास को धारण करना, विकास को किस तरह से हम धारण करेंगे, विकास को हम धारण करेंगे मगर विकास का धारण इस तरह से करेंगे जिसमें विकास हो मगर किसी भी संसाधन का इस्तेमाल उस तरह से ना हो कि हम विकास में रुकावट पैदा हो। जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें दिया हुआ है बुक में कि हमारा जो जो कृषि कृषि क्षेत्र है, या फिर इसमें एग्जांपल दिया है कि जो पानी है, पानी के ऊपर बेस बात को उठाया गया है कि पानी का इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है, अति उपयोग किया जाता है, जिससे कम से कम 300 जिलों से ये शिकायत आ रही है कि पानी 25% कहने का मतलब एक तिहाई या एक तिहाई से भी ज्यादा जो जमीन है उसमें पानी का लेवल नीचे जा चुका है, पानी काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अति उपयोग, जो पानी का अति उपयोग कर रहे हैं लोग उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अति उपयोग का मतलब है कि पानी का अनावश्यक उपयोग करना, बहुत ज्यादा उपयोग करना। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर पानी का अति उपयोग होता है। सबसे पहला सेक्टर कौन सा है, सिंचाई है, इरिगेशन जिसे कहते हैं, वहां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ड्रिप्टन और स्प्रिंगल जो एक जो पद्धति होती है उसके तहत पानी अगर लगाए हम तो पानी का कम उपयोग होगा। फिर उसके बाद में फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो जनता में जो लोग हैं वो अवेयर नहीं, वो उसके प्रति जागरूक नहीं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें इससे जागरूक कुछ कदम उठाने होंगे। विकास को हमें इस तरह से करना, विकास की धारणता, कि उसमें सभी को साथ में, विज्ञान को, तकनीकी को, हर चीज को साथ में लेके चलना, हर चीज के साथ में विकास करना, वही विकास की धारणता कहलाया है। विकास को धारण करना मगर उसका अति उपयोग या उसका अनावश्यक उपयोग ना करना, विकास की धारणता कहलाएगा। ये तुम्हारा कुछ, ये पूरा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेना, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसमें, वो भी करना अच्छी तरह से, और जितना भी चैप्टर हो गया जो टॉपिक ना समझना हो उसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जो ये चैप्टर है ये